एक ऐसा देश जहां के पिता अपने ही बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए झोपड़ी तैयार करता है, और इस देश में बहुत ही कम पैसों में सुंदर बीचेस और खूबसूरत पहाड़ों का नजारा, और साथ ही जवान लड़कियों के साथ मजे करने के लिए भी जाना जाता है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंबोडिया देश के बारे में। इस वीडियो में आप जो चाहते हैं वही आपको देखने को मिलेगा, और वीडियो एंड होते ही आप एक बार कंबोडिया विजिट करना जरूर चाहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कंबोडिया देश के बारे में बहुत कोई जानते होंगे और बहुत कोई नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि ये देश थाईलैंड, वियतनाम और लाओस कंट्री के बीच में आता है। कंबोडिया देश में अपने जीवन जीने के तरीकों के साथ साथ टैबो लाइफ के लिए भी जाना जाता है, और यहाँ की कई विचित्र परंपराएं भी है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके पास कम पैसे हैं और सस्ते में आप सारी मौज मस्ती भी चाहते हैं तो ये देश आपके लिए है। कंबोडिया भारत से 2900 किलोमीटर दूर स्थित है, और यहाँ पर एक किरियान नाम की जनजाति पाई जाती है, जहाँ एक पिता अपने 14 साल की जवान बेटी के लिए लव हंट तैयार करता है, यानी कि प्यार की झोपड़ी तैयार करता है, जिसे संभोग की झोपड़ी भी कहा जाता है। कंबोडिया हट की खास बात ये है कि यहाँ की लड़कियाँ हर रात को अपने अलग अलग मनपसंद लड़कों के साथ बनाए गए झोपड़ियों में सारी रात बिताती है, और दिन के समय में अपने घर के कामों को संभालती है। किरियान नाम की जनजातियों का कहना है कि ऐसी परंपरा से लड़की मजबूत और प्रभावशाली बनती है, और वहाँ की लड़कियों का कहना है कि ऐसा करने से हमारी आत्मविश्वास बढ़ती है और हमें अपना जीवन साथी चुनने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन टूरिस्ट की वजह से इन जनजातियों पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि ये देश एक तो बहुत ही सस्ता है, और इसीलिए अधिकतर मेल टूरिस्ट अपनी ठरक को बुझाने के लिए इसी देश को चुनते हैं। मतलब कि यहाँ पर 1300 रुपए में पूरी रात लड़की के साथ रह जाते हैं। कंबोडिया के लोगों में खुश मिजाज और चेहरे पर एक स्माइल हमेशा रहती है, क्योंकि यहाँ के हर पुरुष और महिलाओं में एक छोटी मुस्कुराहट आपको देखने को जरूर मिलेगी, जो आपके स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहती है। लेकिन यहाँ के लोग पैर को बुरा अंग मानते हैं और सर को पवित्र अंग मानते हैं, और इसीलिए अगर आपको कंबोडिया में किसी के घर जाना हो तो जूते चप्पल को पहले ही उतारना पड़ता है। अगर बात करें कंबोडिया के खाने की चीजों के बारे में, तो यहाँ पर काफी विचित्र चीजें खाई जाती है। यहाँ पर स्टिक में लगा बिच्छू, तला झिंगूर, खतरनाक ट्रांटुला मकड़ी जैसे चीजों को खाई जाती है। यहाँ तक कि सांडे का वो अंग भी खाया जाता है जिससे वह प्रजनन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं, जहाँ पर मात्र 140 रुपए में बेहतरीन वेज और नॉन वेज खाना आसानी से मिल जाता है। कंबोडिया में बच्चे 10वीं पास करते करते लगभग 60-70% लड़के या लड़कियाँ अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ आपस में सेक्स कर चुके होते हैं, और यहाँ की आम निवासियों के लिए केवल 200 रुपए में पूरी रात गुजारने के लिए एक होटल का कमरा मिल जाता है। अगर आप मैकडॉनल्ड या फिर बर्गर के बहुत ही दीवाने हैं और आप सोच रहे हैं कि कंबोडिया में भी ये सब सारी चीजें मिलेंगी, तो आप भूल जाइए, क्योंकि कंबोडिया में कोई भी मैकडॉनल्ड का रेस्टोरेंट नहीं है। इसका कारण है यहाँ पर मिलने वाले सस्ते और ताजे स्ट्रीट फूड। कंबोडिया में अधिकांश आबादी 15 से लेकर 25 वर्ष की आयु की है, और यहाँ की रात थाईलैंड की तरह ही रंग बिरंगी होती है, क्योंकि यहाँ पर भी वैश्यवृत्ति का काम बहुत ही जोरों से होती है। यहाँ की लड़कियाँ पैसे वाले लोगों की तलाश में रहती है, और तो और कंबोडिया में मात्र 600 से लेकर 900 रुपए में खूबसूरत से खूबसूरत और जवान से जवान लड़कियों के साथ पूरी रात बिताई जाती है। कंबोडिया में अधिकांश लड़कियां हो या महिला, वे लोग वैश्यवृत्ति का काम करते हैं, क्योंकि यहां पर देह व्यापार करना कानूनी रूप से लीगल माना जाता है। अगर कोई भारतीय कंबोडिया जाना चाहता है तो उसे पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, जिसकी फीस मात्र 1500 रुपए है, और भारत के नागरिक उस वीजा पर मात्र 30 दिनों के लिए कंबोडिया जा सकते हैं। और इसके अलावा वीजा ऑन अराइवल पर भारतीय नागरिक को 3 महीने के लिए कंबोडिया में रहने के लिए मिल जाता है। कंबोडिया एक सस्ता देश है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पर आपको चीजें फ्री में मिल जाएगी। कंबोडिया एक बहुत ही खूबसूरत देश है, जिसकी राजधानी फनोम पेन शहर है, जो कि इस देश का सबसे बड़ा शहर है। अगर बात करें यहाँ की करेंसी की, तो भारत का 1 रुपए कंबोडिया में 52 रुपए के बराबर होता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने कम पैसों में पूरे मौज मस्ती के साथ कंबोडिया में घूम सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नीचे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।